अंतर्राष्ट्रीय बहुचर्चित चक्की पुल पंजाब हिमाचल की सीमाओं को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल होने की वजह से हिमाचल प्रदेश की जनता का आवाजाही के लिए एकमात्र साधन है। लेकिन केंद्र सरकार की निरस्तता के चलते आम जनमानस आर्थिक दृष्टि से नुकसान उठा रहे हैं। यह बात आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने स्थानीय प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाला जो बहुत चर्चित चक्की पुल, जिसका आजकल आम जनमानस की आवाजाही के लिए फिर से रोक दिया है, यहां तक कि टू व्हीलर गाड़ियां भी इसमें नहीं चल सकती हैं। मैं बहुत अचंभित हुआ कि जो निर्माण कंपनी है वहां पे मौजूद, उस कंपनी की हैवी ड्यूटी गाड़ियां जो हैं वो मटेरियल लेकर उस पुल से क्रॉस कर सकती हैं, जबकि हिमाचल से जाने वाला कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर, यहां तक कि जो परिवार का कोई पेशेंट वो है, उसको पठानकोट में यदि उपचाराधीन करवाना है तो वो उधर से नहीं जाते हुए उसको बाया जो है वो लोधमा भेजना पड़ रहा है। क्या ये फरमान जो है ये केंद्र सरकार का आम जनमानस के लिए ठीक है? मैं इसका जो पुल का निर्माण जो था वो जो 2010 में हुआ और निर्माण जो का जिम्मा जो था वो लोक निर्माण विभाग हिमाचल प्रदेश का था, जिसमें अधिकृत कोई कंपनी थी, उस कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया गया और पुख्ता निर्माण किया गया। क्योंकि इस पिलर के जो है, इस पुल के 17 पिलर जिनकी गहराई जो है जमीन दोज वो 23 से लेकर 24 मीटर तक है और 17 पिलर हैं, 24 मीटर गहराई है, जबकि दो पिलर इस 500 मीटर स्पैन के जो नेक्ड हुए हैं 5 मीटर की गहराई तक। इसका जो इन्होंने बनावटी एक भय बनाकर आम जनमानस को उसको यूज करने के लिए, उसको प्रयोग में ना करने के लिए जो फरमान सुना देते हैं, ये जब भी बरसात आती है तो इनका फरमान जो है वो जारी हो जाता है। और यदि ये फरमान जारी कर देती है कंपनी या विभाग या केंद्र सरकार, तो मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार से कि ये बरसात में ही क्यों है? क्योंकि एक साल, तीन साल से ये चल रहा है ऐसा, जो एक साल जब सूखा होता है, जो दरिया जो है वो सूख, नदी जो सूखी होती है, तब ये रिपेयर का वर्क क्यों नहीं करते हैं? इसकी जितनी भी जो प्रोटेक्शन वाल बनाई गई थी, वो प्रोटेक्शन वाल जब भी बनती है वो पानी के बहाव से निकल जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से कि मोदी जी, आपने जो ज्वलंत मुद्दे थे धारा 370 उसका प्रावधान कर दिया, और उससे भी जो ज्वलंत मुद्दा था राम मंदिर का उसका प्रावधान कर दिया, लेकिन इस चक्की पुल का आपके पास कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। ये क्या, आप इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। यहां 300 करोड़ का जो बजट आपने इसके चैनलाइजेशन के लिए भेजा था, उसका क्या दुरुपयोग नहीं हो रहा है? मुझे दुख लगता है कि हिमाचल प्रदेश से जो जाने वाला जो भी व्यक्ति है, जो गरीब परिवार से है, उसका जो आर्थिक, उसकी दृष्टि से उसको नुकसान हो रहा है, उसके प्रति आपने कभी भी नहीं सोचा। आज जो हमारी हिमाचल प्रदेश के जो नजदीक, जैसे नूरपुर, ज्वाली, चुआड़ी और इधर नजदीक जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, इंदौरा, इनसे जितने भी लोग जो हैं वो यदि पठानकोट जाना चाहते हैं तो उनको बाया लोधमा जाना पड़ता है, और बाया लोधमा जब वो जाते हैं तो उनको 20 किलोमीटर का सफर जो है वो तय करना पड़ता है, जिससे उनको आर्थिक लाभ नुकसान जो होता है, आर्थिक दृष्टि से वो नुकसान पाते हैं और समय भी व्यर्थ होता है। और यदि इस कंपनी द्वारा, जहां इस अधिकृत जो हमारी कंपनी है, इन्होंने यदि हैवी ड्यूटी गाड़ियां क्रॉस कर ली हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? फोर व्हीलर को जाने में क्या दिक्कत है? ये तो एक ड्रामा लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। और जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, इसमें वो निजी रूप से इसको ध्यान में लें और इसका प्रावधान करें और इसके ऊपर पूरा ही नजर करें। क्योंकि यदि इन कंपनी जो अधिकृत कंपनी है या ये अपने विभाग है,
यदि नहीं आपसे नहीं हो रहा है जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व, तो आप क्यों ना सेना को, ये भारतीय सेना को ये इसका जिम्मा दे दें निर्माण का। भारतीय सेना जो है वो इसका निर्माण चुटकियों में करेगी और कम रेट से करेगी। यहां तो एक ड्रामा बनाया हुआ है और ये हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके लिए हमें बहुत दुख लग रहा है और इसका अति शीघ्र उच्च स्तरीय जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। धन्यवाद। नूरपुर से आपका फैसला के लिए विनय महाजन की रिपोर्ट।